है कि अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से संजय दत्त आउट हो गए हैं क्योंकि उनके पास यूके का वीजा नहीं है और फिल्म यूके में शूट होनी है। आपको बता दें 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अरेस्ट होने के बाद से ही संजय दत्त कई बार यूके वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन हर बार उनकी वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। ऐसे में अब यूके वीजा ना मिलने पर संजय दत्त ने रिएक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त ने कहा है कि ये गलत है कि उन्हें वीजा नहीं दिया गया, उन्होंने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए थे। इसके साथ ही संजय दत्त ने ये भी बताया कि पहले उन्हें वीजा मिला था लेकिन बाद में उसे रद्द किया गया। इस तरह रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा कि वो इस फैसले से परेशान है। वहीं संजय दत्त ने आगे ये भी कहा कि मैं कानून को मानने वाला नागरिक हूँ, मैं कानून के अनुसार चलता हूँ और हर देश के कानून का सम्मान करता हूँ। वैसे अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में संजय दत्त की जगह रवि किशन को लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय में जरूर लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल नेशन नाउ। मुंबई से वेदिता प्रताप, नेशन नाउ।